بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pharmacological management of allergic rhinitis. The main drug is antihistamine. Yes. The problem start with the allergy. तो हमें allergy को stop करने के लिए हमें antihistamine देने पड़ेंगे. H1 receptor antagonists they bind with the receptor without activating them and preventing the histamine binding and their action. तो जो एंटी हिस्टामीन हैं, जो ऑलरेडी हिस्टामीन के इफेक्ट्स आ चुके हैं उनसे तो प्रिवेंट नहीं करती, लेकिन फर्दर कंडीशन को एग्रीवेट होने से बचाती है. एंड वी हैव टू मेजर टाइप ऑफ एंटी हिस्टामीन, नॉन सिलेक्टिव दैट आर कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन और सेडेटिंग एंटी हिस्टामीन, एंड सेकेंडली वी हैव पेरिफेरल सिलेक्टिव एंटी हिस्टामीन विच इज which are also called as second generation or non-sedating antihistamines. बताइए तो ऐसे लगता है कि H1 receptors अगर हम first generation लेते हैं तो they are useless. ऐसा नहीं है. Depending upon the patient condition, H1 first generation भी use होती है और second generation भी use होती है. फिर हमें ये देखना है कि कहाँ तक हमें effect चाहिए, कहाँ तक हमें इनकी lipid solubility चाहिए, blood brain barrier का access चाहिए या नहीं चाहिए, और कितना control चाहिए. सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट के जो H1 फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स हैं उनके अंदर एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स ऑलरेडी है. ड्यू टू दीज इफेक्ट्स दे हैव अ ड्राइंग इफेक्ट दैट रिड्यूसेस द नेजल सेक्रीशंस, लाइब्रेरी सेक्रीशन एंड लैक्रिमल ग्लैंड सेक्रीशंस. तीनों सेक्रीशन हमारे पास इस वक्त बहुत इंक्रीज हो चुकी हैं. तो एंटी हिस्टामीन की वजह से अगर फर्स्ट जनरेशन है तो ये साइड इफेक्ट के तौर पर ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाते हैं. Furthermore, they also antagonizes the increased capillary permeability. इसकी वजह से वील फॉर्मेशन भी नहीं होगी, इचिंग भी कम हो जाएगी. कहीं कहीं ड्राउजीनेस हमें रिक्वायर होता है. इट इज अ फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट जो कि अगर हमें ऐसा काम करना है कि जो कॉन्शियस से रिलेटेड है तो फिर हम फर्स्ट जनरेशन अवॉइड करेंगे. लेकिन बच्चों के अंदर जैसे तकलीफ हो रही है, बच्चों को सुलाना है, तो हम बच्चों में फर्स्ट जनरेशन प्रेफर करते हैं. सेकेंडली कोलिनर्जिक प्रॉब्लम की वजह से, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉब्लम की वजह से देयर मे बी अ ड्राई माउथ, देयर विल बी डिफिकल्टी इन वॉइडिंग द यूरिन, देयर मे बी अ कॉन्स्टिपेशन एंड देयर मे बी सर्टेन कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट. तो एल्डरली पेशेंट्स के अंदर खास तौर पर इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो उनके पेशेंट में जो के प्रीडिस्पोज हो यूरिन रिटेंशन में, यूरिन वॉइडिंग प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के अंदर यूरिन वॉइडिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, या फिर पेशेंट है इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ है उसका ऑलरेडी और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर, इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मजीद बढ़ रहा है, या हाइपरथायरॉइडिज्म में या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम मजीद बढ़ जाएगी. अदर साइड इफेक्ट क्या होते हैं एंटी हिस्टामीन्स के, देयर मे बी अ लॉस ऑफ एपेटाइट, देयर मे बी अ नॉजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस. तो एंटी हिस्टामीन आमतौर पर मील के साथ ली जाती है या फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ ली जाती है ताकि जीआई सिम्टम्स ना हो. टेबल 7.6.1 में हम देख लेते हैं कौन कौन सी एंटी हिस्टामीन कॉमनली यूज होती है. दिस इज द टेबल 7.6.1 एंड यहाँ पे मेडिकेशन एंटी हिस्टामीन को केमिकल क्लासिफिकेशन के जरिए क्लासीफाई किया गया है और साथ साथ इनके रिलेटिव सेडेटिव इफेक्ट बताए हैं और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी बताए हैं, जिसमें क्लोरफिनायरामीन कफ सीरप से बहुत ज्यादा होता है और इसका सेडेटिव इफेक्ट है लो है और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी मॉडरेट है. बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है क्लोरफिनायरामीन. ये बिलोंग करती है अल्काइल अमीन क्लास से एंड इट इज अ नॉन सेलेक्टिव एंटी हिस्टामीन. देन वी हैव अनदर केमिकल क्लास व्हिच इज द इथेनॉलामाइन. इट इज आल्सो अ नॉन सेलेक्टिव. इसमें डाइफिन आयोडीन हाइड्रोक्लोराइड इथेनोलामाइन में बहुत ज्यादा यूज होती है. इसका सेडेटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है और इसका एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है. डाइफिन आयोडीन बहुत ज्यादा नीम प्रोड्यूस करती है. देन वी हैव इथिलीन डाइअमीन क्लास. इसमें पाइरिलामीन कॉमनली यूज नहीं होती. इसकी सेडेशन लो है और एंटी कोलिनर्जिक भी ना होने के बराबर है. अगेन इट इज अ नॉन सेलेक्टिव इन नेचर. देन वी हैव फिनोथाइजामीन जिसमें प्रोमिथाजीन है. ये भी बहुत कॉमनली यूज होती है प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड.
दोनों पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सेडेटिव भी बहुत ज्यादा है और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। एंड वी हैव पाइपरिडीन क्लास, नॉन सेलेक्टिव है, इसमें हमारे पास फेनिक्रोडामिन टार्टरेट है, इसके सेडेटिव इफेक्ट्स ना होने के बराबर है और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी मॉडरेट है। ये चार क्लासेस पाइपराडीन, फिनोथायजीन, इथिलीन डायमीन, ये क्लासेस थे बल्कि इथेनॉल अमीन एंड अल्काइल अमीन, ये तमाम नॉन सिलेक्टिव थी। देन हमारे पास क्लास है पार्शली सिलेक्टिव या पेरिफेरली सिलेक्टिव, इसमें हमारे पास बहुत ही कॉमनली ड्रग है सिट्रोजीन एंड लीवोसिट्रोजीन। ये दोनों ड्रग्स अब बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब होती है एंटी एलर्जिक के तौर पर एंड दे हैव लो टू मॉडरेट टेंडेंसी ऑफ सेडेशन एंड लो टू नन टेंशन रिलेटेड टू ब्लॉकेड ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम, इसमें एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स ना होने के बराबर है लेकिन माइल्ड है, माइन्यूटली इसमें कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। पाइपरिडीन की अगर हम क्लास देखें जो कि पेरिफेरी सिलेक्टिव है, वी हैव डेसलुरेटिन, फेक्लोफेनाडीन, लुरेटिडीन एंड ओनोपेटाडीन, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन में या नेजल ड्रॉप्स के फॉर्म में मौजूद है। साइड बाय साइड हम अभी ट्रीटमेंट एल्गोथेरेपी देखते हैं एलर्जिक राइनाइटिस का, बट बिफोर दैट अनदर टेबल इज देयर व्हिच इज टेबल 76.2 दैट रिकमेंड द डोजेस ऑफ ओरल एजेंट्स। आमतौर पर एंटीहिस्टामिन्स जो है ये एक्सपोजर से पहले 1 से 2 घंटे पहले अगर ले लिया जाएगा ऑफेंडिंग एलर्जेंस तो फिर ये देते हैं। अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो 3-3 महीने 6-6 महीने के लिए एंटी एलर्जिक हमारे पास प्रिस्क्राइब होती है। कुछ हमारे पास लोकल एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं लाइक एजिलेस्टिन है, एस्टेलिन के नाम से अवेलेबल है, ये इट्स इंट्रानेजल एंटी हिस्टामिन जो कि रैपिडली रिलीव करती है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस को, बट इट हैज अ पोटेंशियल फॉर ड्राउजीनेस बिकॉज 40% ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। फर्दर मोर पेशेंट के अंदर ड्राई माउथ होगा, हेड एक हो सकता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाएगा। ओलोपेटाडीन भी इंट्रानेजल एंटीहिस्टामिन है जो कि लेस ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करती है, इट्स अ सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। कुछ एंटीहिस्टामिन हैं जो कि सेलेक्टिव इन नेचर है और नॉट सिर्फ सेलेक्टिव इन नेचर है कि सेलेक्टिव टूवर्ड्स दी ऑर्गन भी है। तो दीज आर ऑप्थैल्मिक एंटीहिस्टामिन लाइक दे कैन बी यूज फॉर कंजक्टिवाइटिस। अगर किसी को बहुत ज्यादा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो उसके लिए सिस्टमिक एंटीहिस्टामिन भी बहुत ही इफेक्टिव है। ऑप्थैल्मिक एजेंट्स आमतौर पर नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ दिए जाते हैं क्योंकि इमीडिएटली इन्फ्लेमेशन को खत्म करना जरूरी है। हमारे पास डेलीगेट ऑर्गन है, आई बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, उसको सेव करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। दैट रिलीव द ऑकुलर सिम्टम्स जो कि बाद में ओरल एंटीहिस्टामिन से मैनेज भी हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीहिस्टामिन।